नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ेंगे फार्म मैनेजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला प्रश्न आपके सामने है कि यंत्रों और औजार में खर्च किया गया धन जो उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों की मदद करने के लिए लगाया जाता है, यानी सीधी सी बात है, यंत्र और औजार खरीदने में जो पैसा लगता है किसे लगाते हैं ताकि उत्पादन अच्छा और श्रमिकों को मदद मिले, इसे क्या बोलते हैं? इसे तो बोलेंगे ऑक्सिलरी कैपिटल बोलेंगे। यहाँ पे जो ये टिक लगा ये गलत है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी कैपिटल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्यारे बच्चों प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? औसत स्थाई लागत किसे बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं AFC, एवरेज को बोलेंगे। तो ये बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। इसका सूत्र देख लो आप लोग, ये फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट बटा में क्यू। इस क्यू का मतलब होता है आउटपुट। इस क्यू का मतलब क्या होता है? आउटपुट। तो ये सूत्र याद करना आप। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, AFC बराबर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है और FC बराबर हमारा क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट, और Q को होता है आउटपुट। तो यही तो फार्मूला था कि AFC बराबर क्या था फार्मूला? AFC बराबर था फिक्स्ड कॉस्ट और बटे में आउटपुट। ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। फार्म योजना को मुद्रा के रूप में प्रकट करना क्या कहलाता है? फार्म योजना को मुद्रा के रूप में प्रकट करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बच्चों क्या? ये कहलाता है फार्म बजटिंग। ये कहलाएगा फार्म बजटिंग, ठीक है ना? तो ये कहलाता है फार्म बजटिंग। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये टेबल आपके सामने, इसको आप देख लीजिएगा। फार्म योजना को मुद्रा के रूप में प्रकट करना जो है वो फार्म बजटिंग कहलाता। दो टाइप्स की बजटिंग होती है, एक होती है पार्शियल या फिर आंशिक बजटिंग और एक होती है टोटल या फिर कंप्लीट बजटिंग, याद रखना। आगे चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पादन की लागत को न्यूनतम अर्थशास्त्र के किस नियम का प्रयोग करके किया जा सकता है? यानी उत्पादन में जो लागत आती है उस लागत को कम से कम कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए जो प्रयोग में लाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन, कम से कम लागत संयोजन का सिद्धांत अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न इसके आपके सामने है, परफेक्टली इलास्टिसिटी इज शोन बाय, पूर्णतया लोचदार मांग किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो पूर्णतया लोचदार जो मांग है, जो परफेक्ट इलास्टिसिटी इज शोन बाय, तो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स इनटू बिगिन व्हेन, परिवर्तनीय अनुपात का नियम कब लागू होगा? दे आर ओनली टू वेरिएबल फैक्टर, जब केवल दो परिवर्ती साधन होते हैं, तो जो नियम लागू होता है वो परिवर्तनीय अनुपात का नियम बोलें तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू होता है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको आप बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना? अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी कम्पिटिटिव इफ देयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या प्रश्न है? दो उत्पादों को प्रति स्पर्धात्मक कब कहेंगे? जब उनकी सीमांत विस्थापन दर होगी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। टू प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी कम्पिटिटिव इफ देयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। टू प्रोडक्ट्स आर सेड टू बी कम्पिटिटिव इफ देयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज
निगेटिव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो सही सुमेलित है उसको ही बताना है आपको। एम पी पी बराबर ए पी पी होता है क्या? एम पी पी बराबर ए पी पी, ऐसा प्रश्न है कि एम पी पी बराबर ए पी पी तो ए पी पी स्थिर रहेगा? नहीं भाई, क्या होगा इसका आंसर? एम पी पी बराबर ए पी तो ए पी पी अधिकतम रहेगा? बिल्कुल, जो ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन इसका राइट है, इसका जो करेक्ट आंसर है बी। कुछ फैक्ट्स आपके सामने हैं, इनको आप टेबल के माध्यम से देख लो। जब ए पी पी बराबर एम पी पी होता है, ए पी पी का मतलब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एम पी पी का मतलब होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, तो ए पी पी जो है अधिकतम होगा, ठीक है ना? जब दूसरी अवस्था एक ये है, जब एम पी पी क्या होता है, ए पी पी से कम होता है तो ए पी पी घटता है लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न प्रकार की बजटिंग में से आप कौन सी बजटिंग एक नए प्रक्षेत्र प्लानर को सुझाव देंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ बजटिंग वुड यू एडवाइज टू ए न्यू निम्न प्रकार की बजटिंग में से कौन सी बजटिंग एक नए प्रक्षेत्र प्लानर को आप सुझाव देंगे? तो कंप्लीट बजटिंग यहाँ पे राइट आंसर माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो फार्म मैनेजमेंट है ये क्या है? तो फार्म मैनेजमेंट जो है इंट्रा फार्म साइंस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फार्म मैनेजमेंट क्या है? इंट्रा फार्म साइंस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वा मार्जिनल रिटर्न्स सम सीमांत का प्रतिबल सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप की। किसकी? प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप की करता है, उत्पाद उत्पाद संबंध बताता है ये। अगला प्रश्न है कि लाइव स्टॉक इंश्योरेंस इज इंक्लूडेड इन, जो पशुओं का बीमा है इसको किसमें शामिल किया जाता है? तो पशुओं का बीमा जो एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बच्चों, सी ऑप्शन राइट है। टेबल के माध्यम से आप देख सकते हो, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को किस नाम से जानते हैं? तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्या होते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, उत्पादन फलन। इनपुट आउटपुट जो है क्या है? ये प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी उत्पादन फलन होते हैं ये, ठीक है? तो ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इंडिकेट्स, सम लागत रेखा का ढाल दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाएगा? तो ये दर्शाता है रेशियो ऑफ फैक्टर प्राइस। ये क्या दर्शाएगा मेरे भाई? ये जो दर्शाता आइसो कॉस्ट लाइन जो होती है, सम लागत रेखा यानी आइसो कॉस्ट लाइन, ये लागत मूल्यों का अनुपात को दर्शाती। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, न्यूनतम लागत बिंदुओं को पार करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? लाइन पासिंग थ्रू द लीस्ट कॉस्ट पॉइंट इन द आइसो क्वांट मैप इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन पथ। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सपेंशन पथ। ध्यान रहे, जो एक्सपेंशन पथ है ये किसने बताया था इसके बारे में? अल्फ्रेड स्टोनियर एंड डगलस हेग ने बताया था। एक्सपेंशन पथ से संबंधित कौन वैज्ञानिक हैं? अल्फ्रेड स्टोनियर एंड डगलस हेग एक्सपेंशन पथ से संबंधित हैं ये। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लॉ ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन इज अवेलेबल इन, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन का जो आदर्श स्तर माना जाता है, वो माना जाता है स्टेज सेकेंड को। स्टेज सेकेंड ऑफ प्रोडक्शन, इस पर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जिन रिज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑन द राइज लाइंस इज, ये क्या होगी? ये होगी जीरो। ये क्या होगी? ये होगी जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है जब औसत लागत होगा मिनिमम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि औसत
लागत का वक्र यू आकार के होने के कारण कौन सा नियम लागू होगा? तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होगा, ऑप्शन नंबर ए, ए करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु निर्गत के आर्थिक स्तर को प्रतिपादित करता है? तो एम आर बराबर एम सी, एम आर बराबर एम सी यानी ऑप्शन नंबर